तराजू तोलेंगे तो पीछे बाजर एक बोली पर एक वजन है कि आदमी ने सोच समझ की बोलना चाहिए, इसे नहीं बोलना चाहिए ताकि दूसरे गए साम ले गए कष्ट हो गए दुख हो गए। सही बात है, इंद्राज जी कह रहे हैं। पण रड़कनो भी चाहिए बोल लड़के बिना कि वे रड़के जे तो बोल सही चले एक बोल रड़कनो भी चाहिए बोली बिना बसी जाए कोनी बोली बिना बोली नहीं है नहीं ओ भर सकता भाव तलवार का बोली का घाव भरे ना भर सकता भाव तलवार का बोली का घाव भरे ना बोली का घाव भरे ना बोली देखो किंगे किंगे लड़की कण बोली तीव्र का गमने किया तीव्र का गमने किया भरगूज की नार ने ऋषि को उदासी आई सेवाई के कारण फिर उसे दे दे हंसी आई लक्ष्मी के भरदार ने ऐसा देखे हंसी आई लक्ष्मी के भरदार ने ऐसा देखे हंसी आई हस्ता हुआ देख ऋषि दुखी भय मन में विष्णु को श्राप दिया क्रोध करके तन में नारी के वियोग में भटके होके बन में नारी के वियोग में भटके होके बन में ओ नारी के वियोग में भटके होके बन में दशरथ सुते राजकुमार का हनुमत बिना का सरे ना दशरथ के राजकुमार का हनुमत बिना काज सरे ना 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 पर सकता जाता गाँव तलवार का बोली का गाँव भरे ना बोली किन लगी तीव्र का गमन किया भरगुजी की नार ने भरगु ऋषि की नार के पीर जान लगी ऋषि की उदासी आ गई के सेवा पानी कौन कसी करे भरगु ऋषि की उदासी आ गई इतने विष्णु भगवान को आनो हो जावे विष्णु भगवान ने ऋषि उदास देखे ऋषि आ गई के देखो महाराज दो दिन लुगाई पीर जहर देखो की गरल काम खातर उदासी आ गई तो भरगु ऋषि के क्रोध में भर गए विष्णु ने श्राप दियो के देख मैं तो ये दुखी हूं लेकिन कोई इसे टाइम आवलो तू एक दिन नारी के वियोग में बन बन भटक तो फिरे लो जद के पीवर का गमन किया भरगु जी की नार ने ऋषि को उदासी आई सेवा के कारण उसे देख हंसी आई लक्ष्मी के वरदार ने हंसता हुआ देख ऋषि दुखी हुए मन में विष्णु को श्राप दिया क्रोध करके तनमर नारी के वियोग में तुम भटकोगे वन में के दशरथ सुत राजकुमार का हनुमत बिना काज सरेना भर जाता घाव तलवार का बोली का घाव भरेना और बोली दूसरी किन लगी देखो
पास में नानी के पांच संग गऊ सती पास में फिर गिरता हंसे बोली के पांच पति पास में बोली इसके पांच पिया पास में बोली इसके पांच पति साथ में आ सुन के वचन गऊ माता ने शराब दिया क्या हंसे गिरता दे तेरे होंगे पांच पिया शंकर भगवान ने जब पांच रूप धार लिया शंकर भोलेनाथ ने जब पांच रूप धार लिया शिव और पार्वती बैठे थे कैलाश में नान जी थे पांच संग गौ सरती घास में एक गाय चर लाग रही पांच बैलिया चर लाग रहा पार्वती श्याम श्याम कह दी देखो इंगे तो पांच पति साथ में है गिरजा हंस के बोले इनके पांच पति पास में सुन के वचन गौ माता ने श्राप दिया क्या हंसे गिरजा देख तेरे होंगे पांच यार शंकर भगवान ने जो पांच रूप धार लिया गाय कहने लगी मेरे सागे पांच पति है कोनी केटा लेकिन कोई आना टाइम में तेरे पांच पति होला फिर के पांचों पति हुए द्रौपदी नार के गौ माता का वचन कलेना भर जाता घाव तलवार का बोली का घाव बलेना और बोली किन लगी लगे कौन में थी माया पेंड सक्या नहीं धरण को अंधे को बताया अंधा मान उसका हरण को अंधे का बताया अंधा मान भूखरण को अंधे का बताया अंधा मान भूखरण को आज वे बीच मेरु दुटा पांडू लजा हारने द्रोपदी सभा में आई बोली ही ते कारणे दुशासन सभा में लगा चीर को उतारने दुशासन सभा में लगा चीर को उतारने दुशासन सभा में लगा चीर को उतारने जिन नाम लिया करतार पापा तू पति साय करे ना जिन नाम लिया करतार पापा तू पति साय करे के द्रौपदी ने बोल मारिया दुर्योधन कर्ण को दुर्योधन और कर्ण ने बोल कद मारियो द्रौपदी के पांडवाई की महल तैयार करो बड़े फर्श और बड़ो के पानी नजर आवे पानी है बड़े आंगनो नजर आवे इसी कोई सिस्टम बनाई डो दुर्योधन महल देखने वास्ते आयो द्रौपदी के ऊपर महल के ऊपर खड़ी और दुर्योधन आंगनो समझ के आगे पाउंड रखे पानी के मायने पड़ी द्रौपदी ने हंसी आगे देखोगे आंधा में आंधा ही जामे दुर्योधन ने जद बोल मारियो कर्ण ने बोल कद मारियो जदे द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद हो बन वो स्वयंवर रचियो बिंग माने वा मत्सी वेद की शर्त रखी कभी कोई ई ओदगे माने पानी पानी में मत्सी की छिया देख के बिंगे आंख में बाण मारे बिंगे सागे के द्रौपदी को पानी ग्रहण करा तो कर्ण जी के में धनुष बाण लेके चले जद द्रौपदी बोली के तुम तो सुत पुत्र हो बा बोली कर्ण के लागी जद के द्रौपदी ने बोल मारे दुर्योधन कर्ण को भवन में थी माया पेंट सक्या नहीं धरण करो अंधे को बताया अंधा मान उसका हरण करो जुए बीच कैरु जीत्या पांडु लगे हारने द्रौपदी सभा में आई बोली के कारण दुशासन सभा में लगे चीर को उतारने जिन्हें नाम लिया भगवान का पांचों पति शाय करे ना भर जाता घाव तलवार का बोली का घाव करेना आगे के कभी देखो बोली से अनादर होता बोली से ईमान है बोली चंद्र को में जावे बोली से कल्याण है बोली चंद्र को में जावे बोली से कल्याण है बोली चंद्र को में जावे बोली से कल्याण है
बोल का विचार करना सार चीज पाओगे, जन्म मरण दुख सभी मिट जाओगे। कहता माधो दास बमे सुने बम खाओगे, माधव कहे मिले सुख सुने गम खाएगा, माधव कहे मिले सुख सुने गम खाएगा। सुमरण करे सरजन हार का उस बिना कोई दुख से हड़े ना, एक ही जगह दोनों वस्तु रहे। बिस्की भरी है बोली, अमीर इसकी खान है। बोली से अनादर हो जाए बोली से ईमान है। सिर्फ बोलने को विचार करना चाहिए, भी आदमी को अपमान कर दे भाई बोली भाई, आदमी को आदर कर दे। क्या बोली से अनादर होता, बोली से ईमान है, बोली से नरकों में जावे बोली से कल्याण है। बोल का विचार करना सार चीज का, लड़ाई के चीज की सिर्फ बोली की लड़ाई है, और की लड़ाई करने बोले मना नहीं कह दिए, बस आई थी कोई बात बिन माने तो नुकसान जन्म मरण दुख सभी मिटी जाओगे। कहता माधो दास सुन गम खाओगे, सुमरण कर सर्जन हार का उस बिना कोई विपत अड़े ना, भर जाता घाव तलवार का बोली का घाव। बोलो गंगानाथ जी महाराज।